Hey guys, welcome to Let's Study Together. आज हम चर्चा करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी आई है इसके अंदर बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए. बुक्स जो जो असेंशियल बुक्स हैं उनके बारे में एक चर्चा करते हैं. देखो होता यह है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सब लोग करते हैं लेकिन जो बुक्स असेंशियल बुक्स हैं और बेसिकली इसमें जो बुक्स हैं बहुत ही बेसिक लेवल की बुक्स हैं आपको पता होना चाहिए. उसमें टॉपिक क्या होने चाहिए वो सारे पता होंगे आप आराम से प्रिपरेशन कर पाएंगे. एक जो सबसे पहली बात मैं बता दूं इस बार जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो पहले ही हो रहा है. पहले चरण में ही रिटर्न एग्ज़ाम हो रहा है बाद में आपका फिजिकल होगा. और जो रिटर्न एग्ज़ाम जैसा कि आपने प्रीवियस हमारे पंचायत में भी देखा रिटर्न एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है. माइनस नेगेटिव मार्किंग की अभी घोषणा नहीं हुई है कि कितना होगा लेकिन ये ज़रूर है नेगेटिव मार्किंग होगी. तो इस हिसाब से आपकी इस बार पढ़ाई अच्छे से हो ये बहुत ज़रूरी है. इसीलिए मैंने कहा कि एक बार इनको अच्छे से आपको बुक्स वगैरह करवा देते हैं हम कि कौन सी बुक्स पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है और कैसे प्रिपेयर करें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करके आप लोग सभी लोग सक्सेसफुल हो. तो आते हैं वापस बुक्स की ओर. तो हम चार सेक्शन में बांट दें पूरे पार्ट को तो एक सेक्शन बन जाता है हमारा जीएस का जो कि जनरल नॉलेज बोले जिसको या जनरल स्टडीज़ बोले एक इसका पार्ट बन जाता है. दूसरा आपका बन जाएगा जनरल हिंदी का. ये भी काफ़ी अहमियत रखता है जनरल हिंदी वाला पार्ट भी क्योंकि इससे काफ़ी अराउंड 70 मार्क्स का जनरल हिंदी से पूछा जाता है. यदि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करें हम तो 70 मार्क्स का इससे पूछा जा रहा है और क्वांट भी कुछ आ रहा है मतलब न्यूमेरिकल नॉलेज और रीजनिंग भी आ रही है. कुल मिला के हमारे पास ये चार सब्जेक्ट हैं जिनको अच्छे से प्रिपेयर करना है और प्रिसाइज प्रिपेयर करना है. इनमें से जनरल नॉलेज में सबसे पहले प्रिपरेशन देखें तो बुक जो आपको रेफ़र करनी है बच्चों इसमें कोई आपको नई बड़ी बुक कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है. एक बुक आती है लूसेंट की जीके के लिए. जीके की लूसेंट की जो बुक है वो मोर देन सफिशियंट है बच्चों. यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको अलग से सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं. इसी में आपकी हिस्ट्री दे रखी है. हिस्ट्री में आप मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री गांधी जी वाला पीरियड वो अच्छे से पढ़ लेना. इसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना है पॉलिटी राजव्यवस्था जिसको हम बोलें. पॉलिटी में अमेंडमेंट वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा. और जो पूछा जा रहा है इसमें जैसे नोबल प्राइज़ वगैरह पूछे जाते हैं गेम्स वगैरह पूछे जाते हैं तो इन सब चीज़ों से आप अपडेट रहिएगा. और आपको लूसेंट के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे होता यह है कि यूपी जो कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें आपको कहीं भी बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है इस बुक के अलावा. ये बुक मोर देन सफिशियंट है इसके अंदर लूसेंट आपकी. फिर आते हैं जनरल हिंदी में. जनरल हिंदी में आपको फिर से मैं बताऊँगा लूसेंट हिंदी. लूसेंट हिंदी देखो इस एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशियंट है. इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा. जो भी इसमें चीज़ें दे रखी हैं आपको सारी और स्वेच्छा से और बड़ी अच्छे तरीके से करनी है. ऐसा ही आपको जीके में भी कोई पार्ट नहीं छोड़ना है लूसेंट में. आप आराम से इसको आप विद इन 15 डेज मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूँ आप 15 डेज में बिल्कुल आप आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हो. आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. और इसमें 10 डेज लगेंगे आपको क्योंकि आपको इतना नॉलेज होगा हिंदी का जो इसमें दिया होगा तो इतना इसमें दिक्कत नहीं. इसमें ऑन एंड अराउंड इन दोनों को मिलाकर आप बिल्कुल 20 डेज के अराउंड इसके अंदर लेंगे तो आपका एक डेज के वाला भी मैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस बना दूं. क्वांट और रीजनिंग के लिए देखो रीजनिंग के लिए आपको कोई कंप्रेहेंसिव बुक लेने की ज़रूरत है आप ले लीजिए. इसमें आर एस अग्रवाल की जो बुक आती है वर्बल और नॉन वर्बल वो बुक ले लीजिए. या एक और आती है राकेश यादव की एक बुक आती है रीजनिंग की वो आप बिल्कुल पढ़ लीजिए. रीजनिंग के लिए वो मोर देन सफिशियंट है. क्वांट भी आप वहीं से कवर कर लोगे. इसके अलावा कुछ और चीज़ें रह गई हैं जैसे कि यूपी स्पेशल में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें वो वाली चीज़ें हम देख लेते हैं. उसके अंदर यूपी स्पेशल में जो बुक आती है जैसे परीक्षा मंथन टाइप से हुई करंट अफेयर्स के लिए या यूपी की कोई भी बुक उठा लेना उससे आप देख लीजिएगा. तो इसमें देखते हैं जीएस का पार्ट करंट अफेयर्स में देखते हैं. करंट अफेयर्स आप किसी भी बुक से परीक्षा मंथन देख लीजिएगा. ऑनलाइन नहीं मिलती है ये ऑफलाइन ही मिलती है. परीक्षा मंथन बुक ले लीजिएगा.
यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो ये हमने बड़े मोटे मोटे तौर पर सारी बुक्स की बात करी कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। अब इनमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या पार्ट पढ़ना है, क्या क्या मतलब मेन इंपॉर्टेंट है, जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। यदि विद इन टाइम आपका वो कवर हो जाता है तो बाकी के पार्ट भी कवर कर लीजिएगा, अन्यथा इन्हीं पार्टों को बहुत ज़्यादा जोर देना इन पे। और आपको क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं तो ये वाला आप बिल्कुल ध्यान में दीजिएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम जीएस वाले पार्ट पे। जीएस वाले पार्ट में आपको सबसे पहले हिस्ट्री जो देखनी है, हिस्ट्री में गांधीयन एरा और बुद्धिज्म, गांधीयन एरा और बुद्धिज्म। इसके बाद ज्योग्राफी में जो आपको देखना है, ज्योग्राफी में आपको नदी नाले मतलब ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल आपको बिल्कुल याद होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ से बहुत ही सवाल आते हैं ड्रेनेज सिस्टम। फिर आता है आपका पॉलिटी, पॉलिटी में आपको आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और लोकसभा राज्यसभा, ये आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। इसके साथ साथ ही पंचायती राज, यहाँ से बहुत ही सवाल आ सकते हैं और आते भी हैं। फिर आते हैं हम इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा क्या पढ़ना है या मेनली क्या देखना आपको, एक तो टैक्स स्ट्रक्चर देखना आपको, क्या डायरेक्ट टैक्स होते हैं या क्या इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जीएसटी इंडिया में कब से लगा, जीएसटी की डेट वगैरह देख लीजिएगा, जीएसटी की रेट्स देख लीजिएगा, स्लैब्स देख लीजिएगा, ये सारा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखें तो जीडीपी क्या होती है, जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन मेथड। हालांकि देखो बच्चों, होगा ये कि इनमें से कुछ टॉपिक्स हम भी कवर कराते रहेंगे, लेकिन आपको यदि कोई ज़्यादा असेंशियल है तो हमें आप लिख सकते हैं, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उस पर जल्द से जल्द काम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 5 ईयर प्लान्स, जो कि पिछले यदि प्रीवियस ईयर पेपर्स को हमने काफ़ी रिसर्च किया टीम ने, तब जाके हमने ये पॉइंट डिसाइड किए हैं कि ये इन पॉइंट से अधिकतर पूछा जा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे ही पूछा जाएगा, लेकिन इनसे ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि पहले भी इनसे बहुत पूछा गया है, इसलिए आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये आप वीडियो को पॉज करके लिख भी लीजिएगा, आपको जिन जिन लोगों को लिखने की ज़रूरत है ये। अब चलते हैं रीजनिंग वाले पार्ट में। चूँकि रीजनिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए मैंने उसकी आपको टॉपिक्स बताने के लिए मैंने सोचा कि मैं आपको टॉपिक्स बता दूं कि बुक्स में से कौन कौन सी बुक्स में से क्या क्या पढ़ना है आपको, वो सारा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या पढ़ें हम, सबसे पहले उसमें देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में वर्बल वाले सेक्शन में आपको जो पढ़ना है, या जनरल मेंटल एबिलिटी वाले में जो आपको पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है उन टॉपिक्स को बता देता हूं पहले मैं आपको। मेंटल एबिलिटी में आपको पढ़ना है अल्फाबेट टेस्ट, ये काफी फेवरेट है ये यूपी का। अर्थमेटिक रीजनिंग इतना नहीं आता लेकिन फिर भी आता है। एनालॉजी, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस डायरेक्शन, यहां से बहुत ही फेवरेट है, यहां से आपको बिल्कुल ध्यान देना है। टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इन पे भी बिल्कुल आप ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको 10th तक की आपको समझ पूछी है, यहाँ पे 10th क्लास तक की समझ पूछी है। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन वगैरह आपके आएंगे, ब्लड रिलेशन आपका एक बहुत फेवरेट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा बच्चों। नहीं होता तो हमें बताइए, हम कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक बता देंगे आपको, या जल्द से जल्द आपको इस पर कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। हमें नीचे कमेंट करिएगा, हम सारी ये चीज़ें प्रोवाइड कराने की। और इसके साथ एक इम्पोर्टेंट जो वर्बल वाले में है वो कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से भी काफ़ी फेवरेट है यूपी पुलिस में। कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से काफ़ी पूछा जाता है, ये हुआ हमारा वर्बल। अब नॉन वर्बल में देखें हम, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ टॉपिक्स हैं इसमें, और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको जो कवर करने हैं मोस्टली ये हैं। इसमें आप देख लेना, पहले क्यूब एंड डाइसिस देखिएगा, एम्बेडेड फिगर्स इंफॉर्मेशन जो पूछी जाती है, पेपर कटिंग, ये काफ़ी फेवरेट है। पेपर कटिंग वाला जो रीजनिंग वाला पार्ट है ये काफ़ी फेवरेट है। सीरीज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मिरर इमेज और वाटर इमेज, यहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ लॉजिकल आपको सोचना है,
इसमें आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारी रीजनिंग के अंदर आप ये पढ़ सकते हो, और बिल्कुल आप प्रिपरेशन कर अच्छे से करते रहिए। और इसके अलावा जीएस के अंदर यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो हमें लिखिए, आप बताइए। मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए हैं और बुक्स भी बता दी गई हैं। हिंदी के लिए आपको ज़्यादा कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको लूसेंट से काम चल जाएगा, क्योंकि इस वाले पुलिस कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाता इस बारे में, तो आपको ज़्यादा नहीं पूछना। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको जीएस के लिए चाहिए तो ये हमारी वेबसाइट है बच्चों, www.letsstudytogether। यहाँ बच्चों जाइएगा, जीएस का पोर्शन खोल लीजिएगा और आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। आपको नहीं समझ में आता, हमें कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उस पर रिएक्ट करेंगे, जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे। थैंक यू बच्चों, हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमारे वीडियोस देखते रहें और बताते रहिए, फीडबैक जरूर देते रहिए बच्चों। मैंने बुक्स बता दी गई हैं, बुक्स का मैं हो सकेगा तो लिंक भी नीचे आपको वीडियो में दे दूंगा, वहां से जाके आप परचेज कर लीजिएगा, या मैं चाहूँगा कि आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाए। कहीं ना कहीं से मैं देखता हूँ पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है, कि परमिशन लेते हैं हम, पीडीएफ यदि अवेलेबल होगा तो हम आपको फ्री पीडीएफ भी यहाँ अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।